ओके सो प्रीवियसली वी हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट कि आपने शॉपिफाई के अंदर अपना लॉग इन कैसे करना होता है अब एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि अब आप आपका डिपेंड करता है कि स्टोर आपने कहाँ बनाना है मोस्ट ऑफ़ द टाइम रिकमेंडेशन यही होती है कि आप यूएसए के क्लाइंट्स के साथ काम करें या अपना स्टोर यूएसए बेस्ड ही रखें अगर तो आप एमजोन ई बे या किसी भी और प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो वहाँ पर बिकने वाली प्रोडक्ट्स को जो आप वहाँ सेल कर रहे हैं आप उनको अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर भी लगा सकते हैं ठीक है दूसरी तरफ ये कॉन्सेप्ट आता है कि आपने खुद से सिर्फ शॉपिफाई पे ही स्टार्ट करना हो अपनी वेबसाइट को बनाना हो तो अगर आपने अपनी वेबसाइट या शॉपिफाई के ऊपर ही स्टार्ट करना है आइधर ड्रॉप शिपिंग करें या जो भी कोई स्टार्टअप आपका हो तो वो भी आप यूएसए में ही करें बिकॉज मार्केट वो बड़ी है लेकिन इसके अलावा यूएसए के अलावा आप किसी भी मुल्क के अंदर अपना शॉपिफाई स्टोर जनरेट कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दे हेल्प यू विद दिस अब यूएसए के अंदर अगर आपने काम करना है तो उसके लिए आपको पूरी एक LLC चाहिए होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जिसका मतलब होगा कि आप यूएसए के रेजिडेंट हैं और यूएसए में रेजिडेंट इनकेस की आपकी वहां पर कंपनी है आपके पास उनका यानी यूएसए का फोन नंबर है बैंक डिटेल्स है और वो सारी चीजें होती हैं डिफरेंट एजेंट्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि ये आपके एलएलसी बनाती हैं और वो भी अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करने लगे हैं और आपने लॉग इन कर लिया जैसे मैंने कल आपको बताया कि आप साइन अप करें तो साइन अप करते के बाद अगले इश्यूज आते हैं जिसके अंदर फिर वो आपसे ये पूछता है कि अगर तुम यूएसए में रहते हो तो अपना फोन नंबर ऐड करो ठीक है फिर वो आपसे कहेगा कि अगर तुम यूएसए के हो तो अपनी एल की डिटेल्स ऐड करो यानी अपना प्रोफेशनल अकाउंट हमसे शेयर करो डेबिट कार्ड की डिटेल्स जिसे आपने बाकी सारी पेमेंट्स जो है वो करनी है शॉपिफाई को वो सारे सेटअप्स जो हैं वो आपके अमेरिका के होने चाहिए तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैं अगर शॉपिफाई स्टार्ट कर लूँ तो आपको उसकी डोमेन भी बाय करनी पड़ती है और उसके अलावा आपको उसकी होस्टिंग डोमेन के अलावा आपको उसकी होस्टिंग यानी होस्टिंग कहते हैं कि आप कह लें कि आपने पर मंथ उसको उसका प्लेटफॉर्म यूज करने के जो अमाउंट देनी होती है Uh, ज्यादातर अमेजॉन का लोगों को इसलिए पता है कि अमेजोन अगर आप सैलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हो तो आप चालीस डॉलर थर्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन डॉलर जो है अमेजोन को पर मंथ देते हो अपने बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट बनाने की वजह से uh, दूसरा अकाउंट फ्री होता है लेकिन उसमें आपको अमेजोन को जो है वो पर सेल जो है कुछ कमीशन देना होता है अराउंड जीरो पॉइंट नाइन नाइन डॉलर अब शॉपीफाई भी आपसे बेसिक प्लान में ट्वेंटी नाइन पॉइंट डॉलर जो है वो चार्ज करता है जो टैक्स वगैरह डाल के तकरीबन थर्टी पॉइंट सेवन नाइन या एटी सेंट्स बनते हैं थर्टी डॉलर एंड नाइनटी एट या एटी सेंट्स तकरीबन ये सारा सनेरियो है जो आपने फीसिस पे करनी है शॉपिफाई को डोमेन आप पर ईयर की बाय करते हो वो मैं दिखाऊंगी भी कि वो बताएंगे कि आपने कितने की कि लेनी है कुछ सत्रह डॉलर की है कुछ चौदह डॉलर की है कुछ ग्यारह डॉलर की है ठीक है और इसी तरह से आपने जो है वो उनकी जो होस्टिंग बाय करनी है यानी कि उनके सब्सक्रिप्शन बाय करनी है सेलर अपना अकाउंट क्रिएट करने की उसको भी आपने पे करना है तो ये तो आपके जेहन में दो होनी चाहिए ईयर की आपने देनी है ठीक है डोमेन की जो भी आपने बाय की है पर मंथ आपने उनको देनी है फीस जो कि तकरीबन आपको इकतीस डॉलर पड़ेगी लेकिन आपने एल एल सी बैंक डिटेल्स और ये सारी चीजें जब बनवानी है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आपके वो अलहदा एक खर्चा है आ, हमारे जो आ, मतलब हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी एल हम ही बनवा के देते हैं क्योंकि वी वर्क इन अ टीम तो हमारे पास जो टीम है जो ये सारा काम करके देती है वो डिफरेंट स्टेट्स में ऑफर करती है जैसे टेक्सास की अभी मेरे एक और, ये जिसका ये शॉप रूल है उसने बनवाई थी समीर उसका नाम है आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे तो समीर ने जब बनवाई है उसने टेक्सास की बनवाई है और टेक्सास की उसने तकरीबन साढ़े डॉलर की बनवाई है और विद द पैसेज ऑफ टाइम महंगाई ज्यादा हो रही है और डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो ये ज्यादा वक्त के साथ साथ महंगी भी हो रही है मार्केट में लोग आपको बहुत सस्ती भी ऑफर करते हैं एल एल सी और ये सारी चीजें लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपके साथ कोई धोखा ना हो क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको ये कहते तो जरूर है विल डेफिनेटली डू दिस आपके लिए सारा हो जाएगा ये वो लेकिन बाद में आप उनको पैसे देते हैं और फिर आप उनको डेली मैसेज कर रहे होते हैं फला चीज बता दो फला चीज बता दो फलां का कोड क्या है पे नहीं बन रहा ठीक है डेबिट कार्ड नहीं बन रहा और उसके बाद बहुत से इश्यूज आते हैं तो आपने मेक श्योर sure करना है कि आप उनके साथ प्रॉपर डील करें और जानियर लोगों के साथ काम करें और इस रिगार्ड में इफ यू नीड माय हेल्प डू लेट मी नो यहां तक मेरी बात समझ आ गई है शॉपिफाई स्टोर बनाने से पहले ये कुछ चीजें जो आपके जेहर में होनी चाहिए कि ये ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैंने करनी है मैंने करनी है या मेरे क्लाइंट ने करनी है उसको अगर आप क्लियर करेंगे तो वो फिर आपके साथ चलेगा कल को अगर उसे कहेंगे ना यहाँ पे पैसे दे दो यहाँ पे पैसे दे दो तो वो फिर घबरा जाता है उस लोगों के पास सच में पैसे नहीं होते उन्होंने एक खास बजट जेन में रखा होता है और आपको ये हिडन हिडन तो नहीं होती है ये लेकिन ये सारी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई चैट बॉक्स में मुझे बताएं और थोड़ा जल्दी चैट बॉक्स में जवाब दिया करें ठीक हो गया अच्छा आप आगे आ जाते हैं ये मैंने आपको कहा वो आपने सेटअप करना है वो आप सेटअप कर सकते हो आप फ्री ट्रायल के लिए कर लो फ्री ट्रायल के लिए फोर्टीन डेज के लिए आप अपना सेटअप कर सकते हो उसमें वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे इवन आपको एलएलसी और बाकी चीजों की भी जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए इसपे प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है वो आप जरूर बना लेना ये अब आपने बनाना है नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो उससे पहले आपने इसको लॉग इन करके बल्कि साइन अप करके और आपने ऐसा शॉपिफाई स्टोर अपने सामने इस तरह से ओपन करना है ठीक हो गया अब हम आ जाते हैं जब हमारे पास शॉपिफाई स्टोर के अंदर हम लॉग इन हो जाते हैं जब हमारा बन गया साइन अप हो गया हमारे पास चीजें आ गई तो वो आपको इस तरह से कुछ डैशबोर्ड नजर आता है उसने ऊपर आपका नाम दिया होता है अगर आप इसको क्लिक करो तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें होती हैं ठीक है उसके अंदर ये जो शॉपिफाई हेल्प सेंटर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी काफी ज्यादा जो है वो जरूरत पड़ती है और ये स्टोर है अगर आप एक से ज्यादा बनाओगे तो वो यहाँ पर आ रहा होगा और मैनेज अकाउंट है अगर आप इसको क्लिक कर लो तो वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ठीक है मैनेज अकाउंट के अंदर आपने जो भी चीजें उनको देनी है जैसे ईमेल है तो हमने ये वाला दिया हुआ है अगर कोई नंबर ऐड करना है तो वो भी ऐड किया जा सकता है और बाकी सारे डिटेल्स वगैरह जो है वो भी ऐड की जा सकती है अगर आपने यहाँ जहां समीर अहमद लिखा है, मतलब है वहां कोई फोटो फोटो लगानी है तो वो फोटो फोटो भी लग जाएगी ओके अब उसके बाद इस साइड के ऊपर अगर आप आ जाओ बाकी ये नोटिफिकेशन सेटअप गाइड इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सेटअप गाइड के लिए तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आप आ जाते हैं इधर आपको होम नजर आ रहा है ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं कस्टमर्स फाइनेंस एनालिटिक्स मार्केटिंग डिस्काउंट ऑनलाइन स्टोर और ये सेटिंग अगर आप इस सेटिंग पे क्लिक करो तो आपके पास नेक्स्ट एक ढेर सारी जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो शो करना शुरू कर देता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे मौजूद है अब जो ऑर्डर है इसको देखना या जो प्रोडक्ट है उसको एड करना या कस्टमर्स जो हैं उनको आपने कैसे ऐड करना है फाइनेंस जो है उसको आपने कैसे देखना है एनालिटिक्स को कैसे स्टडी करना है मार्केटिंग को आपने कैसे लेके चलना है डिस्काउंट्स को कैसे पुट करना है ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और स्टडी करेंगे लेकिन उसको स्टडी करने से सबसे ज्यादा पहले इम्पोर्टेंट चीज आती है वो होता है ऑनलाइन स्टोर अगर मैं इसको क्लिक करूँ क्योंकि मैंने इसके डोमेन शॉप रूल्स डॉट स्टोर बाय की हुई है इसी वजह से ये आप भी अगर अपने पास ओपन करोगे तो ये आपका यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा ये मैंने डिजाइन किया है सारा ठीक है अभी भी इसको हम मजीद बेहतर बनाएंगे मिलके ठीक है क्योंकि ये भी अंडर प्रोसेस है तो आपने सबसे पहले थीम ऐड करना है जैसे ये जो थीम मैंने लगाया हुआ है ना कि वेबसाइट इस तरह की नजर आएगी दैट इज कॉल्ड डॉन थीम ठीक है डॉन थीम मैंने लगाया हुआ है लोग कहते हैं अक्सर लोग कहते हैं शॉपिफाई के अंदर पेड थीम्स को यूज कर किया जा सकता है बड़े लोगों को शौक होता है मैंने अभी तक जितने भी शॉपिफाई क्लाइंट्स का काम किया मैंने कभी किसी को पेड थीम ना लेके दिया ना मैंने काम किया आप अगर थोड़े से भी आ, कह लो के क्रिएटिव हो ठीक है तो आप ये सिंपल थीम को इतना खूबसूरत बना सकते हो कि कोई बिल्कुल नहीं जज कर सकता कि ये जो आपकी वेबसाइट है ये बेसिकली अगर आप लोकल थीम यूज करते हो उसमें कुछ लिमिटेशन जरूर होती है मैं मानती हूँ कि एक दूसरी वेबसाइट के मुकाबले में जो पेड़ आप बनाते हो लेकर थीम से उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है लेकिन ट्रस्ट मी ट्रस्ट में ये वही बात है कॉन्टेंट अगर अच्छा हो और ग्राफिक्स ज्यादा अच्छी ना भी हो तो चीजें बिकती हैं और मेरा मानना इस पे यही है कि आपको स्टार्ट में तो पेड़ थीम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हाँ, अगर आपका स्टोर बहुत अच्छा चल रहा है आपके पास बहुत पैसे आ गए हैं तो फिर आप जरूर उसको बाद में कन्वर्ट कर लो क्योंकि चीजें तकरीबन सारी सेम रहती है वो जब चाहे आप स्विच कर सकते हो एक थीम से दूसरे थीम में जा सकते हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आप क्या करना है आपने ये जहाँ ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है इसको आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके पास थीम्स थीम आ गया ब्लॉग पोस्ट आ गई पेजेस आ गए नेविगेशन आ गई और प्रेफरेंस आ गई ये पांच चीजें हैं थीम्स ब्लॉग्स पेजेस नेविगेशन एंड प्रेफरेंस अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने कहा था कि मैंने डॉन थीम लगाया हुआ है ठीक है मेरा करंट थीम ये डॉन के आगे करंट थीम भी लिखा हुआ है कि इस वक्त आपका करंट थीम डॉन है और उसके आगे उसने ये कस्टमाइज लिखा है कस्टमाइज का मतलब है कि वो कह रहे हैं आप इसको एडिट करना चाहते हो कस्टमाइज करना चाहते हो और अगर आप इन थ्री डॉट्स पे आ जाओ वो आपसे पूछ रहा है कि व्यू कर लो एक दफा का ये कैसा लगेगा रीनेम कर लो अगर डॉन की जगह इसने आपने इसको सपोज करें ठीक है माए फ्री थीम इस तरह करना है जो भी आपने रीनेम अगर आप अपने हिसाब से करना चाह रहे हो ठीक है तो वो कर लो उसके बाद आप इसको डुप्लीकेट कर लो डुप्लीकेट का मतलब बेसिकली ये है कि एक आपके पास ऐसा होगा जो लाइव होगा जैसे इस वक्त ये वेबसाइट लाइव है ठीक है इसको दुनिया में कोई भी कहीं भी ओपन कर सकता है लेकिन मैं इसमें चेंजेस अगर करना चाहती हूँ या मैं साइड पे बैठ के कुछ मजीद काम करना चाहती हूँ मैं डुप्लीकेट कर लूंगी और उसमें डुप्लीकेट में मैं काम करती जाऊंगी और यहाँ पर ये यह ऐसे ही रहेगा और फिर जब मेरा डुप्लीकेट वाले थीम में काम हो जाएगा तो मैं उसको पब्लिश कर दूंगी ठीक है समझ आ गई उसके बाद डाउनलोड थीम फाइल अगर इसको आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हो ये थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है सिस्टम के अंदर भी अगर आप काम करना चाहते हो और देखना चाहते हो तो यू कैन डू दैट बट उसकी जरूरत नहीं है ऑनलाइन ठीक है कोड में बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि हमें कोडिंग शोडिंग नहीं आती लैंग्वेजेस में भी नहीं जाना हमारा काम सिर्फ इससे है कि हम इसको व्यू कर लें एक दफा ठीक है इसकी बेहतर एग्जाम्पल ऐसे है कि ये है क्राफ्ट ठीक है क्राफ्ट के आगे लिखा है कस्टमाइज कि इसको तुम कस्टमाइज कर लो मतलब ठीक कर लो जस्ट सेटमेट करना है सेटमेट कर लो पब्लिश का मतलब है कि अभी ये जो यहां पर ये चल रहा है मेरा थीम इसकी जगह पे क्राफ्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा उसको कहते हैं पब्लिश ठीक है इसको बंद कर ठीक है पब्लिश हो गया और इसके बाद फिर थ्री डॉट्स थ्री डॉट्स में अब वो हमसे कह रहा है प्रीव्यू कर लो प्रीव्यू मतलब वो यूं करके हमें दिखा देगा कि तुम्हारा ये स्टोर इस तरह अगर होगा तो वो ऐसा नजर आएगा ठीक है क्राफ्ट में इस तरह से ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी तो आप एक दफा देख लेते हो कि हाँ यार ठीक है ये लेआउट अच्छा है इन अदर वर्ड्स प्रीव्यू का मतलब है कि आप उसको प्रीव्यू कर लो व्यू से पहले प्री लगा दो तो प्रीव्यू हो गया कि आप उसको पहले से ही व्यू कर लो रीनेम और बाकी सारी चीजें वही आ गई हैं ठीक है, है? यहाँ रिमूव करना चाहते हैं ये रिमूव इसलिए मुझे कह रहा है क्योंकि मैंने इसको ऐड किया हुआ है अब आप पूछेंगे जब आप इसमें लॉग इन करोगे ना तो यहाँ पर आपको कोई भी नजर नहीं आएगा ठीक है आप ऑनलाइन स्टोर पे आओगे ऑनलाइन स्टोर पे आने के जब आप थीम्स पे आओगे तो यहाँ पर आपको ना क्राफ्ट नजर आएगा ना डॉन नजर आएगा ना ये बाकी सब नजर आएंगे जैसे डॉन के आगे भी लिखा है एड रिफ्रेश थीम के आगे लिखा है एड क्राफ्ट के आगे लिखा है एड ठीक है और इसी तरह सेंस के आगे लिखा है एड ओरिजिन के आगे भी लिखा है एड ऐसा आपको कोई भी नजर नहीं आएगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा विजिट थीम स्टोर यहाँ जो लिखा है यहाँ तो यहाँ से विजिट कर लो या ये यह जो ऊपर सर्च बार ये बहुत अच्छी चीज है ठीक है सर्च बार पे जाकर आप यहां से सर्च कर सकते हो थीम्स ठीक है थीम्स को सर्च किया और उसके बाद आप इसको थीम्स को क्लिक करो तो मुझे इसलिए यहाँ ले आया क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हूँ थीम्स के अंदर तो मुझे उसने उसी पेज पर पे डायवर्ट कर दिया अगर हम ऐप्स पे जाएं तो ऐप्स पे जाने के बाद हम थीम को करें क्लिक आई होप ये मुझे उधर ले जाएगा हाँ जी ये देखे ऐप स्टोर में चले गए ठीक है जैसे हमारे मोबाइल फोन्स पे ऐप होते हैं तो इसी तरह से इनका भी अपना शॉपिफाई की एप्स का पूरा पूरा स्टोर बना हुआ है ऐप स्टोर तो उसके लिए आपको यहाँ से ये जो नीचे आपको ऑनलाइन स्टोर अगर मैं इसको ऐसे कर दू वापस छुपा दू ओ, ओ, नहीं हो रहा चले कोई बात नहीं ये जो ऑनलाइन स्टोर है उसके बिल्कुल नीचे आपको एप्स लिखा हुआ नजर आता है आप अगर इस एप्स पे क्लिक करोगे ना तो वो आपको ये आगे सर्च बार ढूंढेगा कि तुम किस ऐप की बात कर रहे हो तो मैंने उसको सर्च कर लिया मैं थीम्स ढूंढना चाह रही हूँ तो वो मुझे थीम लाइब्रेरी में ले गया तो ये ऐप स्टोर है तुम थीम ढूंढ रही हो अच्छा किस तरह का थीम चाहिए अब आपको यहाँ पे सारी चीजें नजर आएंगी जो थीम से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे थीम की जगह पे बेशक लिख दे फ्री फ्री थीम्स ठीक है क्योंकि हम एमेजोन सॉरी शॉपिफाई के फ्री थीम्स को ढूंढेंगे <laughs> अच्छा यहां पर आप कुछ नजर भी आ रहा होगा ये फ्री प्लान अवेलेबल लिखा हुआ है ये सेवन डेज फ्री ट्रायल लिखा हुआ है ये फ्री लिखा हुआ है जो मैंने क्योंकि आपसे कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग टू शॉपिफाई रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज एप्स यहाँ पे कुछ पेड एप्स होती हैं कुछ फ्री होती हैं हमने कोशिश करनी है कि हम यहाँ पे फ्री ही जो है ना वो उसको कवर कर, करें अच्छा यहाँ पर इस तरह से भी नहीं आ रहा तो ये एप्स बाय कैटेगरी है स्टोर डिजाइन के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखते हैं लेट्स क्या दिखाता है लुक्स और ये सारा कुछ तो बाद में ऐड होना है बॉस यहाँ से नहीं फ्री थीम्स आ रहा ये होता है असल में इधर ही है जब आप ऑनलाइन स्टोर पे जाते हो ना तो वो यहाँ पर आपको इस तरह से शो करेगा और आपको नीचे ये विजिट फ्री थीम के ऊपर दिखाएगा यहाँ से ही क्लिक हो जाएगा एक और मैं आपको बात बता दूं एक दफा मेरे साथ ये एक्सपीरियंस भी हुआ था हाँ ये देखे ना ब्रोज ऑल थीम के ऊपर आया है तो थीम्स के ऊपर ओपन यहाँ पर जब आप आओगे ना ऑनलाइन स्टोर और थीम्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ही आपको वो एक्सप्लोर थीम्स का ऑप्शन देगा विजिट स्टोर तो वो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉ आ जाओगे अगर इन केस ऐसा होता है कि जैसे मैं बता रही हूँ क्योंकि तो मेरा लेक्चर आपने बाद में ए टू जी दोबारा रिवाइज करना है और उसके पॉइंट्स भी नोट डाउन करने हैं और मुझे उन नोट्स की पिक्चर्स भी भेजनी है कि जी मैंने आपके जो भी आ, आपने पढ़ाया था वो वर्ड टू वर्ड मैंने इस तरह से नोट डाउन कर लिया है तो वो आपने मुझे पिक्चर भेजनी है लाजमी, और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल करना है पिक्चर और प्रैक्टिकल के बाद हम अगली क्लास रखेंगे ये बात मैंने आपको पहले भी बोली हुई है और ये मत एक्सपेक्ट करना मिसाल के तौर पर आप मुझे चार बजे भेज रहे हो सारा कुछ कि ये देखे मैंने नोट्स भी बना लिए हैं मैंने प्रैक्टिकल भी कर लिया है अब आप छे बजे क्लास कर लें ऐसा नहीं होगा आपको मुझे घंटे पहले अपना डाटा भेजना होगा डिजाइन को, को कर, कर सकूं कि हम किस टाइम करेंगे ये नहीं कि आप आधा घंटा पहले मुझे काम जमा करा के कहें कि आप क्लास कर लो ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लान किया होता है ये बात आपको मेरी समझ आ गई है एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हो ना कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी मेरी एक स्टूडेंट थी है अभी भी अल्लाह उसे खुश रखे वो वो मतलब वो उसने ना पीएचडी उर्दू में की हुई थी और इन सब चीजों से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था उसको मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता था जब मैंने उसको ये बात पढ़ाई ना थीम वाली उसको उससे थीम ऐड ही नहीं था हो रहा अच्छा मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरा किसी स्टूडेंट को इतना मसला आया हो शायद इसकी वजह यही है कि बाकी सब लोग एज में शायद छोटे होते हैं या टेक्नोलॉजी का थोड़ा यूज जानते हैं तो उनके इतना मुश्किल नहीं होता उसके लिए बहुत मुश्किल था फिर मुझे उसके लैपटॉप को डेस्कटॉप लेकर मैंने चेक किया और फिर उसमें भी एक मसला ये था कि वो जिस ई मेल से उसने लॉग इन किया हुआ था उसमें ही कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से शॉपिफाई स्टोर पूरी तरह एक्टिव ही नहीं था हुआ हुआ तो वो सेटअप में ही उसने कुछ प्रॉब्लम कर दी हुई थी तो वो जब उसने नया लॉगिन और पासवर्ड लगाया और नया स्टोर सेटअप किया तो उसमें वो मसला नहीं आया अब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि ये काम करते हुए बाजुकात आप जब कर रहे होगे तो शायद जैसी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है वैसे आपको नजर ना आए तो आपने परेशान नहीं होना आपने कहीं पर भी क्लिक करने से नहीं घबराना ठीक है कि अगर मैंने कहीं कुछ क्लिक कर दिया और कुछ गलत हो गया तो क्या होगा अगर आपका ये झाका नहीं खुलेगा तो फिर आप कभी भी नहीं सीखोगे कोई मसला नहीं अगर कहीं पर लिखा हुआ एडर अगर आपको आ रहा है आप क्लिक करके देख लो एड, एड से होता क्या है ठीक है मैं हूं आपके साथ यहाँ पे चलने के लिए देखो यहाँ क्राफ्ट और क्राफ्ट दो दफा ऐड हो गए हैं तो लेट सपोज अगर ये दो दफा ऐड हो गए हैं तो फिर मैं क्या करूंगी मैं एक को डिलीट कर दूंगी दूसरे को पढ़ा रहने दूंगी अब ये क्राफ्ट के आगे इंस्टॉलिंग थीम आ रहा है उसका ये भी मसला था कि उसका थीम ही इंस्टॉल नहीं होता था क्योंकि उसकी तरफ इंटरनेट का बहुत इशू था वो मुसलसल रोमिंग पे रहता था लेकिन ऐड नहीं होता था तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको इसलिए मैं बता रही हूं ताकि जब आप काम कर रहे हो और आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी फॉर द थिंग्स के अच्छा ये आपने ऐसे किया बट यहाँ नहीं हो रहा मैं क्या करूं ठीक है तो अब देखिए उसने जस्ट एडिट लिख दिया अब मुझे तो दो दो क्राफ्ट तो नहीं चाहिए मैं क्या करूंगी सिंपली रिमूव कर दूंगी ठीक है मुझे दो क्राफ्ट नहीं चाहिए ऐड का मतलब है कि अब मैं इसको कस्टमाइज कर सकती हूँ जैसे रिफ्रेश है मैं रिफ्रेश को अगर ऐड कर दूंगी तो अब फिर मैं चाहूँ तो मैं रिफ्रेश थीम पे काम कर सकती हूँ ठीक है यहाँ तक आपको मेरी सारी बात समझ आ गई है मुजम्मिल यस मैम मैम ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ ऐसे ये स्टोर सेटअप भी कर लिया है और मैंने डोमेन पे एक नाम भी ढूंढा है हम्म हम्म ठीक है ये कब किया आपने ऐड थीम तो भी मैंने ऐड किए और पूरा डिजाइन बना लिया इसका अभी आगे डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है वो कैसे करनी है थीम इंस्टॉल भी करके और ये सर्चिंग वगैरह ये सब भी समझ आ गया ये आपने यहाँ से ये लेकिन मुझे फिर भी आपको स्टार्ट से बताना पड़ेगा ना ताकि मेरी तसल्ली तो हो जाए हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो आपको पहले ना पता हो यस ठीक है क्योंकि मैं अगर ये सोच के आगे चली जाऊंगी तो मे भी कोई भी एक पॉइंट हो सकता है जो मिस हो जाए। तो मैं स्टार्ट से ही क्लिक करना है क्योंकि हम ऑलरेडी इस थीम पे काम कर रहे हैं तो हम इसको कर सकते हैं तो मैंने जब कस्टमाइज के ऊपर आई तो यहाँ पर अब आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती है जो साइड के ऊपर यहाँ पर मेंशन है पहले जब मैंने मैंने शॉपिफाई का काम स्टार्ट किया था तब ऐसे नहीं होता था कि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो वो मुझे यहाँ ले जाए कि यहाँ पे चेंज कर दो या मैं यहाँ क्लिक करूं तो मुझे यहाँ ले जाए ऐसा नहीं था अब इन्होंने ये चीज ऐड किया और ये बहुत अच्छी चीज है यानी कि दैट इज वे इजी कि मैं अगर यहां से चेंज करना चाहती हूँ तो बजाय मैं इधर जाके चेंज करूं मैं यहीं से इसको क्लिक करके चेंज कर सकती हूँ एडिट इधर से होगा और यहाँ से हम चीजों को करेंगे यहाँ आपका ये आपको आर नजर आ रहा होगा ठीक है ये शॉप रूल का लोगो है और ये शॉप रूल लिखा भी हुआ है शॉप रूल्स अब शॉप रूल्स का ये लोगो और ये जो डिजाइन है ये जो एक बैनर है

इमेजेस की वेबसाइट्स होती हैं जैसे पिग्जा बे है ठीक है पिग्जा बे यहाँ पर आपको फ्री थीम फ्री इमेजेस जो है रॉयल्टी फ्री इमेजेस जो है, वो आपको मिल जाते हैं तो यहाँ से भी यू कैन जस्ट डाउनलोड एनी इमेज लेट सपोज के आपका किचन से रिलेटेड हो uh, आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो भी कोई स्टोर है तो यू कैन जस्ट गो एंड फाइंड समथिंग रिलेटेड टू किचन अपनी पसंद से क्योंकि उनके पास भी यहाँ पर आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगे फ्री इमेजेस में आप यहाँ पर डायरेक्ट सर्च बार में अगर लिखो किचन ठीक है तो आपको यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है ना इमेजेस यहाँ से आपको मिल जाते हैं लेकिन अगर आपको उसमें से कोई सूटेबल इमेज नहीं लग रहा तो यू कैन गो टू द फ्री साइट्स ठीक है जिसमें से एक मैंने आपको पिग्जा भी बताया यहाँ से भी आप जो है वो किसी को भी ले सकते हो कोई भी इमेज जो है वो अपनी पसंद का ले सकते हो बस एक मसला ये आता है समटाइम इमेज का साइज जो होता है ना वो शॉपिफाई के साइज के साथ एडजस्ट नहीं होता तो वो फिर आपको यू हैव टू गो फर्दर लेकिन है के वही बात आती है कि आपने चीजों को थोड़ी मेहनत करके करना जैसे ये भी आपका स्पाइसेस का बिजनेस हो तो ये उसके हिसाब से ये एक बहुत खूबसूरत इमेज है ठीक है मैं इसको सेव कर लेती हूँ और डेस्कटॉप में रैंडम वीडियोस में और इसको मैं स्पाइसी के नाम से ही सेव करूंगी और लेट सपोज क्या मैंने फ्री इमेजेस में नहीं जाना बल्कि मैंने लाइब्रेरी और अपलोड किया और अपलोड में भी मैंने डेस्कटॉप और डेस्कटॉप में ये और यहाँ से spices, है तो ये मैंने यहाँ से शॉप रूल्स की जगह पर स्पाइसेस जो है वो इसको अपलोड कर दिया ठीक है और इसको यहाँ से करने के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सेलेक्ट एंड वंस यू सेलेक्ट देन यू जस्ट गो फॉर द सेव आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप सेव के बटन को दबाएं और उसके बाद आप यहाँ पर आए अब यहां पर मैंने क्या किया हुआ है मैंने यहाँ पर नीचे अडेप्ट सेक्शन हाइट टू फर्स्ट इमेज साइज किया हुआ है कि ये जो आपका इमेज है इसका जो साइज है वो इसके बाकी इमेजेस के हिसाब से जो जैसा है वैसा ही हो जाए लेकिन मैं ये यहाँ पर बैनर की जो हाइट है वो लार्ज की हुई है आप इसको स्मॉल भी कर सकते हो थोड़ा छोटा हो जाएगा तो ये अब आपकी अपनी चॉइसिस है कि आपने इसको किस तरीके से करना है सेकेंड इमेज वो पूछ रहा है कि अगर आपने को सेलेक्ट करना है तो सेकेंड इमेज में अगर हम शॉप रूल का ये सेलेक्ट कर लें

साथ साथ मेरी वैसे ये एक आदत है शुरू से कि मैं क्या करती हूँ मैं कर ना मैंने ओपन तो हो गया अब मैंने जो जो चेंजेस करनी है वो मैं यहाँ पर साथ लाइव देख भी सकती हूँ की अच्छा मुझे बहुत बड़ा इमेज लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा ठीक है यहाँ ये अच्छा लग रहा है तो मे बी पिक्सा बे के ऊपर हम कोई और सेलेक्ट कर लें क्योंकि हम उसके लाइव हैं उसके ऊपर तो मैं यहाँ पे स्टोर ही लिख के देखती हूं स्टोर फ्रंट या स्टोर ऑनलाइन हम्म ये अच्छा लग रहा है इमेज अगर हम इसको डाउनलोड करें कीबोर्ड एंड सेव इट और अगर हम इसको यहाँ पर अपलोड करें कस्टमाइज एडिट पे जाएं और यहां से हम ये फोकल पॉइंट वाला भी मुझे बहुत का लगा इस इमेज पे तो इतना शो नहीं होगा इससे पहले वाले पे ज्यादा शो हो रहा था कि जहां पर आप इसको क्लिक करना चाहते हैं ना जब वो आपका डेस्कटॉप ओपन हुआ हो या आपका मोबाइल ओपन हुआ है या कोई भी अगर आपकी वो चेंज होती है एक व्यू जो है तो वो फोकल पॉइंट की वजह से आपको वो उसी साइज के हिसाब से वहां से नजर आएगा ये बाकी सारा हिस्सा वो बीच में से काट देंगे इसको मेन फोकस पे रखेंगे तो ये भी एक अच्छी चीज मुझे खैर लगी थी आज भी ये मैंने आज ही ट्राई किया तो चेंजेस जो है ना वो इसमें आती रहती है चेंज की वजह से आपने बिल्कुल भी कभी भी नहीं कहना कि अच्छा अब ये इस तरह हो गया तो अब मैं क्या करूं आपको एक दफा चीजें आपके हाथ पे बैठ जाए तो आपके लिए काफी हद तक आसान हो जाता है ओके कहा गया हमारा वो ये है इसको सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद ये जब यहाँ पर सेव हो जाए देन मैं इसको यहाँ साइड पे ओपन किया होता है तो मुझे यहाँ से भी वह सासा नजर आती जाती है ठीक है ये इस तरह से चेंज हो गया अच्छा अब मुझे ये बताओ आपके आपने जो है स्टोर जो अभी तक डिजाइन किया है वो आपने कितना डिजाइन किया है यू हैडिड द प्रोडक्ट्स और बल्कि मुझे फिर वो आप दिखाना ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कितनी सेंस है अभी मुझे इस तरह से आइडिया नहीं होगा

बोलेगा यहाँ कुछ और लिखा होगा वो आपसे बोलेगा यहाँ क्या लिखना है जैसे फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ठीक है कि टेन परसेंट ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर ठीक है लोगों ने ऐसे भी दिया होता है कि आपके फर्स्ट ऑर्डर पर टेन परसेंट ऑफ है जब मैंने ये लिख लिया लिखने के बाद अब वो बोलेगा कि तुमने टेक्स अलाइनमेंट लेफ्ट करनी है राइट right या सेंटर मैंने उसको सेंटर किया स्कीम जो है वो मुझे पूछ रहा है बैकग्राउंड 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 मतलब का मतलब है कि ये जो पीछे ही वाला बैकग्राउंड है इसको उसने कॉपी कर लिया ये रखना है या आप डिफरेंट ट्राई करके देख लो बैकग्राउंड वन के बाद एक्स टू ये ब्लू कलर का अगर ये रखना है अब उसके बाद लिंक पेस्ट करना है ये जो तो लिंक यहाँ पेस्ट करना होता है ना जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो ये आपसे पूछेगा किसी ब्लॉग का लिंक लगाना है किसी पेज का लगाना है किसी प्रोडक्ट का लगाना है किसी कलेक्शन का लगाना है ठीक है तो ये जो पेजेस होते हैं ये हम बनाते हैं खुद से बनाते हैं कलेक्शन भी हम खुद से बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने कलेक्शन जो है या पेजेस जो है वो कैसे बनाने हैं ब्लॉग्स या ब्लॉग पोस्ट तो ऑफकोर्स लिखनी ही पड़ती है वो तो एक अलग बात है और प्रोडक्ट भी हम खुद ऐड करते हैं और पॉलिसीज भी तो ये अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे मैं किस चीज का लिंक लगाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कहा लोगों को कि भाई आपके फर्स्ट ऑर्डर पर टेन परसेंट ऑफ होगा तो फिर मैं उनको प्रोडक्ट्स की तरफ ले जाऊं या कलेक्शंस की तरफ ले जाऊं मे भी मैं कलेक्शंस की तरफ जाऊं तो कलेक्शंस में मैंने यहाँ बनाए हुए हैं होम एंड किचनशियल सो फॉर ठीक है तो मैं यहाँ पे ऑल कलेक्शंस भी कर सकती हूं या कोई एक कलेक्शन भी कर सकती हूँ तो क्या होगा जैसे इसको मैंने फिर सेव लाजमी करना है अब अगर आप इसको यहाँ आओगे और आप शॉप रूल्स पे आते हो तो शॉप रूल्स पे देखो ये चेंज हो गया अब अगर कोई इसको यहाँ क्लिक करेगा तो वो कलेक्शंस पे चला जाएगा ठीक है तो ये हो गया पहला ये वाला हिस्सा चेंज हो गया आप कोई भी थीम जब करोगे तो उसके डिफरेंट डिफरेंट हिस्से आते जाएंगे वो आप क्लिक करते जाओगे और वो चेंज आपने करने हैं अब होम है ठीक है तो वो होम के ऊपर जब आप क्लिक करोगे और कैटलॉग के ऊपर क्लिक करोगे और कॉन्टेक्ट के ऊपर तो वो ये सारी चीजें इस तरह से आएंगी कि अगर कैटलॉग है तो इसके अंदर आपने ये नीचे के सारी कैटलॉग आ रही है तो इसको आपने किस तरह से करना है ग्रिड की फॉर्म में करना है या आपने इसको फर्दर किस तरीके से लेके जाना है या कॉन्टेक्ट ये जो कैटलॉग होता है कॉन्टेक्ट या होम होता है ये सबसे एंड पे इसलिए एडिट करते हैं क्योंकि इसमें अभी हमने बहुत से जो फॉर्म्स हैं या प्रोडक्ट्स होती हैं कलेक्शंस होती हैं पहले हम वो ऐड कर लें थोड़ा बहुत तो फिर उसके बाद हम कर सकते हैं ठीक है जैसे कॉन्टेक्ट में अगर आप साइड पे देखो तो उसने बताया हुआ है कि क्या क्या ऐड करना है कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करना है जैसे ये है आप इसको यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म आता है जब आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ फिर आपने कुछ और ऐड करना है, तो वो हम ऐड सेक्शन करके फिर इसमें ऐड करेंगे वो मैं वो आगे की बात है इसको भी आप छोड़ दो ये जो यहाँ ये है ठीक है आपका जो लोगो है ये यहाँ पर आप कोई और इमेज भी ऐड कर सकते हो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो तो ये उसने आपको दिखा दिया ये नहीं बल्कि ये ठीक है कि इसको आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर दो तो और उसके बाद आप इसकी जो भी ये है यानी कि ये बड़ा हो सकता है और ये इससे थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है इसकी विर्थ जो है तो वो आप डिपेंड करती है आप कैसे रखोगे और ये लेफ्ट पे रखना है या आपने टॉप सेंटर पे रखना है जो ऐसे है, ठीक है ये भी ये पर्सनल आपकी चॉइस होती है ये आपका क्लाइंट को भी हो सकता है, कुछ होते हैं इस तरह के क्लाइंट्स, जिनको चीजें इस तरह से पसंद होती हैं, कुछ को नहीं होती हैं। अब आपने मुझे ये कि के 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 मैंने किया है मुझे कंफ्यूज कर दिया अब मैं इसलिए आपको इसलिए भी नहीं बता रही कि पता नहीं अब आपको पता है तो फिर मैं आपके साथ मैं एक दफा देख लू आपको क्या पता है ठीक है एक को फ्री ऐसे नहीं करना ना? मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे करना है आपने ऐसे करना है कि आपने इसको बनाना है शॉपिफाई में आपने अपना स्टोर बनाना है उसको बनाने के बाद आपने उसके अंदर जो भी कोई थीम लगाना लगाएं और उसको कस्टमाइज करें जितना आप कर सकते हैं ठीक है जितना okay. भी आपसे होता है या जितना आपको आता है वो उसको टाइम दे वो आज, आज का टाइम ले लो अगर कल का दिन भी लगता है तो लगा लो यानी जितना भी आपको आता है सर्च नहीं करना सर्च करने बैठोगे तो वो फिर मैं यहाँ पे किस लिए हूँ जितना आता है उसके हिसाब से आप सारा कर लो और फिर उसके बाद आपने मुझे लॉग पासवर्ड दे देना है मैं लॉग पासवर्ड से खुद ही देख लूंगी कि आपने क्या किया शॉपिफाई का

वो वो चाहे तो, आप वहाँ पे जी बताओ तो तो वैसे एक ओपन कंपनी है 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 ना ना उनकी अपनी अपनी हाँ, बिल्कुल डिटेल्स डिटेल्स हमने दी हुई उसकी है, 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 सेम 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 नंबर बैंक अकाउंट्स हैं हर चीज और बाद ये था आपसे कि करें को कोई जैसे जात वगैरह अपने साला हाँ जी किसी भी जैसे होलसेल की बात कर रहे हो ना आप लेकिन इसमें एक मसला होगा जैसे होलसेल एमेजोन के लिए हमें ब्रांड अप्रूवल्स चाहिए होते हैं ना तो शॉपिफाई के ऊपर आप वो ब्रांड की प्रोडक्ट्स लगा तो सकते हो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो फिर ड्रॉप शिपिंग की फॉर्म में लगाओ और वो फिर हम अली एक्सप्रेस से उठाएंगे अगर आपने बकायदा ब्रांड की प्रोडक्ट्स लगानी है तो फिर वो आपको खरीदनी पड़ेगी और खरीदने के लिए तो फिर आपको परमिशन ही लेनी पड़ेगी ना कॉन्सेप्ट समझ आए ब्रांड डव आपने डव का शैम्पू लगाना है मिसाल के तौर पे लगा लो कोई मसला नहीं है वो आप फिर लगाओगे अली एक्सप्रेस से ऑर्डर आएगा आप अली एक्सप्रेस वालों को बताओगे अली एक्सप्रेस वाले डिलीवरी करेंगे उसमें आपका और डव का कोई रिलेशनशिप नहीं है हाँ अगर आपने डव के शैम्पूस को बाय करना है और फिर उसके बाद उनको सेल करना है तो फिर आपको डव या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से परमिशन लेनी पड़ेगी वो फिर आप पैसे है पैसे इन्वेस्ट करने हैं और वो बाकी जो सारा सीन होता है ओके मैम मैम अच्छा लेकिन शिप का वर्ड नहीं यूज होगा। देखो, अगर तो आपका अमेजोन का है ना फिर तो आपका शॉपिंग भी ड्रॉप शिपिंग हो जाएगा अगर आपका एमेजोन का अकाउंट होलसेल का है तो आपका शॉपिंग भी फिर होलसेल पे होना चाहिए और अगर आपका अकाउंट प्राइवेट लेबल का है तो यहां भी आपने पीएल करना है अब इसके पीछे क्या रीजन है मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी लेट्स सपोज कि आपने एमेजोन के ऊपर होलसेल किया ठीक है yes. इन्वेंट्री किसके पास पड़ी हुई है Amazon के yes. पास अब आप Shopify के लिए अलग से तो नहीं स्टोर बाय कर दे लोगे थ्री पी एल और बाकी सारी चीजें आप एमेजोन ने आपको पूरी परमिशन दी हुई है कि अगर आप किसी भी जगह पे अपनी वेबसाइट पे अपनी इन्वेंट्री लगाते हो लगा लो जब ऑर्डर आएगा तो मैं खुद तुम्हारे लिए एफ कर दूंगा मतलब शिप कर दूंगा तो फिर oh. जो आपका बिजनेस मॉडल अमेजोन का है वो ही आपका बिजनेस मॉडल शॉपीफाई का होगा अगर आपने ड्रॉप शिपिंग एमेजोन पे की हुई है तो आप सेम वही प्रोडक्ट शॉपीफाई पे भी लगा लो अब ये जो अकाउंट शॉप रूल्स है ये होल का प्रोडक्ट है सॉरी बिजनेस सेटअप है क्योंकि समीर का होल सेल जो सेटअप है वो हमने करना है एमेजोन पे वो जो सेम प्रोडक्ट्स हमने उसकी वहां पर बेचनी है वो हमने उसकी यहाँ पर बेचनी है फिर की डिलीवरी अमेजोन देगा एमेजोन देगा Amazon देगा, देगा इसको फिर लिंक करना होगा के हाँ इसको एमेजोन के साथ लिंक करना होगा जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं ना ये देखो मैंने ये प्रोडक्ट्स लगाई हुई है ना अगर मैं इसको yes. क्लिक करूं तो ये अली एक्सप्रेस से मैंने अभी लगाई हुई है क्योंकि ये मैंने अभी हमने वहाँ उसकी इन्वेंट्री फाइनल नहीं की है ठीक है तो यहाँ से जब भी ऑर्डर आएगा तो फिर यहाँ से अली एक्सप्रेस वालों को पता होगा कि शॉप रूल पे ऑर्डर आया है लेकिन आया हमारे थ्रू है क्योंकि ये उनके लिंक्स है ये उनका लिंक है सारा ठीक है तो वो हमें हमारा कम, पैसे तो हमारे अकाउंट में आएंगे लेकिन फिर हमारे पास से हमारा अकाउंट जो है वो अली एक्सप्रेस पे भी होगा तो वो हमारा कमीशन उनके कमीशन के साथ डिडक्ट हो जाएगा यानी वो एक अलग साइंस है इसी तरह जब मैं इसके अंदर एड प्रोडक्ट करूंगी तो फिर मैं उस एड प्रोडक्ट को करने के बाद शिप तो मैं नहीं करनी है मैंने ही करना है लेकिन मैं फिर एमेजोन को बताऊंगी उसका एमेजॉन का एक प्रोग्राम है उसमें आपको एनरोल होना पड़ेगा एमेजोन को पहले प्रॉपर बताना पड़ेगा जी मेरा नाम ये है मैं ये हूँ मेरा आपके पास अकाउंट खुला हुआ है मेरी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है मैं शॉपिफाई पे इस नाम से हूँ मेरी जब सेल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा और आपने फिर उसको शिप कर देना ठीक है, है वो मेरी एक वीडियो भी है मैं आपको उसका लिंक भेजूंगी ठीक है ओके okay. वो वीडियो आप देख लेना वो आपको समझ आ जाएगा वो पूरी amazon के उस सिस्टम के ऊपर बनी हुई है कि वो कैसे काम करता है तो अच्छा ये मैं जब उसके हम हम्म हम बताओ जी मैं लास्ट में पूछ लो हाँ हां बताएं बताएं अच्छा मैम ये पूछ रहा था आपसे कि ये जो मतलब कि अली एक्सप्रेस से हम करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली फिर जो है वो हमें 1 बाय 1 वहां से हर चीज कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी नहीं ये हमें ऑटोमेटिक है पहले उबरलो का नाम शायद आपने सुना हो यस सर उबरलो अब नहीं काम कर रही उबरलो खत्म हो गई है उबरलो की जगह पे ये आपको यहाँ पे डीसर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है ये नजर आ रहा है डीसर्स yes, अब उबरलो की जगह पे डीसर्स यूज हो रहा है जो अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज होती है यानी कि यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद वहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट एज इट इज हम उठा के अपने स्टोर पे लगा लेते हैं अली एक्सप्रेस को भी पता होता है कि इस बंदे ने मेरी प्रोडक्ट को लगाया है और जब ऑर्डर आएगा तो मैंने इसके साथ मामला देखना ही देखो डीसर्स वाले बीच में थर्ड पार्टी है ठीक है और भाई ये देखो डीसर्स वाले थर्ड पार्टी है शॉपिफाई को लिंक किया हुआ है अली एक्सप्रेस के साथ नजर आ है यहाँ yeah. उन्होंने मेरी देखो इम्पोर्ट लिस्ट सिक्स की है मैंने प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे अभी तक लगाई और उसके बाद अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं यहां से ट्रैक भी कर सकती हूँ क्यूँकी डी सर्ज अली एक्सप्रेस को और मुझे आपस में कनेक्ट कर रहा है ठीक okay. है तो फिर yes, यहाँ पर लेकिन ये, ये हम वन बाय वन सब पढ़ेंगे हाँ yes, जी और तो कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे और पूछना है कि फर्ज करें कि हमारा अमेजोन का जो एफ का स्टोर है हम उसको सेपरेट रखना चाहते हैं मतलब उसकी इन्वेंट्री को हम मतलब क्लीन टच नहीं करना चाहते इसके साथ और इसका हम सिर्फ सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं इस तरह दोबारा पूछना सॉरी मुझे आपका पहले ऐसा समझ नहीं आया अच्छा मैं भी इस तरह की जैसे एफ का हम इन्वेंट्री अमेजोन को भिजवा देते हैं ठीक है लेकिन हम जो प्रोडक्ट्स अब फर्ज करें जैसे अब यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे सेल करना चाहते हैं जिनका हमें अप्रूवल ही नहीं मिलता अली एक्सप्रेस से हम उसको लगा के हम सिर्फ ड्रॉप शिप कर सकते हैं उसको आपकी मर्जी है ये जो आपका अकाउंट है ना शॉपिफाई या आपकी वेबसाइट है अगर यहाँ पर ये छह प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग की है ना तो आप यहाँ पे सातवीं प्रोडक्ट होलसेल की ऐड कर लो और आठवीं प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट ने तो आना है आके ऑर्डर करना है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ये जो आपने आपने लगाया है है आपके पास पड़ा है या आपने किसी से खरीदना है या क्या करना है वो आपकी सरदर्द है क्लाइंट ने आना है ऑर्डर करना है आप अपनी वेबसाइट का यही तो फायदा है एमेजॉन के ऊपर आप लिमिटेड हो जाते हो अगर होलसेल का अकाउंट है तो सिर्फ होलसेल का ही चलाना है उसमें पीएल नहीं करते क्योंकि मसला ये होता है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आपको नुकसान होता है इवन के हम तो ये भी कहते हैं कि आपकी एक एल एल सी पे एक होल सेल बनाओ अमेजोन में और नई एल एल सी पे पी एल बनाओ अगर आप करना चाह रहे हो तो और तीसरे पे आप ड्रॉप शिपिंग का बना लो अगर आप करना चाह रहे हो तो ठीक है लेकिन यहाँ पर यह आपकी अपनी दुनिया है ठीक है यहाँ पर आप एट अ टाइम ड्रॉप शिपिंग भी करो आप होलसेल भी करो आप पीएल भी करो

नहीं ये डिपेंड करता है कि आपने अगर अभी पेमेंट करनी है कार्ड लगाकर अभी कर दो अगर आपने फोर्टीन डेज के बाद करनी है तो वो फोर्टीन डेज तक खुद वो आपसे अकाउंट डिडक्ट नहीं करेगा लेकिन वो आपसे आपके अकाउंट की डिटेल्स मांग लेगा यानी आपने अपना कार्ड शार्ड लगा देना वो उसमें से चौदह दिन तक कुछ नहीं डिडक्ट करेगा चौदह दिन के बाद डिडक्ट करेगा लेट सपोज आपके कार्ड में पैसे ही नहीं है ठीक है तो फिर भी शॉपिफाई बहुत जेनरस है वो आपको 10 10 दिन का पांच पांच दिन का पंद्रह पंद्रह दिन का ब्रेक भी देता है कि अगले डिडक्शन में सात दिन के बाद करूंगा अगली अटेम्प्ट में सात दिन के बाद करूंगा ठीक है इस तरह करते करते भी वो महीना आपको आराम से दे देता है बल्कि बाजों का दो, दो महीने भी दे देता है ठीक है अच्छा स्टोर बनाया तो आप नीचे कार्ड पाकिस्तान से ऐड कर से। पाकिस्तान से भी कार्ड ऐड होता है क्योंकि जब मैं अपने क्लाइंट्स का काम कर रही होती हूँ ना जैसे मेरे एक दो क्लाइंट्स और भी थे जो कैनेडा थे यूएसए के थे लेकिन वो कार्ड्स उन्होंने नहीं लगाए हुए थे तो पेमेंट्स जो थी नहीं बल्कि मेरे अपवर्क के क्लाइंट्स के साथ ये हुआ है सॉरी कि वो हमें पैसे दे देते हैं सारे कि भाई आपने ही बाय करनी है डोमेन आपने ही बाय करनी है हॉस्टिंग ठीक है तो फिर उस केस में हमें पाकिस्तानी कार्ड लगाना पड़ता है अब उसमें भी एक मसला है कि पाकिस्तानी सारे कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होते यानी मेरा कार्ड नहीं लगता था उसमें भी जो मेरे कोलीग है ना ठीक है उसका कार्ड लगता था मतलब उसका मेजान का कार्ड लगता था मेरा यूबीएल का एच दोनों का कार्ड नहीं लगता था समझ आई तो ये पाकिस्तान में ये बहुत वो है एक रोला सा के मतलब अब आई डोंट नो आपका कार्ड कौन सा है कौन सा नहीं है अगर आपका लगता है ट्राई करके देख लेना लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आप उसको कहो के अगर वो अपना कार्ड दे दे तो ठीक है अगर सिर्फ स्टोर बना के दे देना है फिर उसमें ट्राई किया जा सकता है एक ए टू सी सर्विस है ना अपने एज ए वी ए काम करना है वो एक डिफरेंट सनैरियो बन जाता है